ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिक्यम्। श्रीमद्भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। बराहायते ते नयने नराणाम् लिंगान विष्णुर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यो। बरहायते ते नयने नराणाम्, जोर से बोलो, लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यौ। बरहायते ते नयने नराणाम् लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यौ। अनुवाद, जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों अर्थात उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं, और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपनांतिकं। वंदेहम श्री गुरु श्री युतामनगमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण वदान सहगन ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। कल प्रभुपाद जी बता रहे थे कि इन बातों को
जो यहाँ पर भागवत हमें सिखा रही है कि जो आंखें हैं ये मोर पंख पर छपी हुई आंखें जैसी ही हैं। अगर जो आंखें भगवान के मंदिर में जाकर के विग्रह का दर्शन करने के लिए नहीं जाते, जो भगवान के रूप को नहीं देखती, जो भगवान के नाम को नहीं देखती, जो भगवान के गुणों को नहीं देखती, ये आंखें मोर पंख की आंखें जैसी हैं। और जो टांगे हैं भगवान के भक्तों के पास नहीं जाती, मंदिर आदि नहीं जाती, ये टांगे द्रुम जन्म भाजो, द्रुम मतलब वृक्ष के तने जैसी है। वृक्ष जैसे आ जा नहीं सकता, एक जगह ही खड़ा रहता है, ऐसी वो टांगे फिर किसी काम की नहीं। कोई कहे हमारी टांगे तो आ जा सकती, आप कैसे कह सकते हैं वृक्ष की तरह, बोले वो वृक्ष से भी ज्यादा गई गुजरी। वृक्ष कम से कम भोगों में तो नहीं जाता, हम भोगों में भी जा रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला था मंदिर आने के लिए, लेकिन मंदिर आना छोड़ करके हम इन टांगों का दुरुपयोग और करने लग जाते। वृक्ष सदुपयोग नहीं कर सकता तो कम से कम दुरुपयोग तो नहीं करता, जैसी परिस्थिति में उसको रख दिया गया उसी परिस्थिति में। लेकिन हम इन टांगों का क्या कर लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं, तो वृक्ष से भी बदतर हो गए। तो हमें सिखाए कौन, बोले भागवत सिखाती। और कौन सिखाता है, बोले व्यक्ति भागवत भी होता है। जो व्यक्ति भागवत होता है वो गुरु होता है, लेकिन गुरु छद्म गुरु नहीं होना चाहिए। रूपा जी यहां बता रहे थे छद्म गुरु की पहचान क्या है, जो पैसे के लिए काम करता है, उसका लक्ष्य पैसा होता है। देखो संसार में कोई सिद्ध होने की जरूरत नहीं कि सिद्ध होने के बाद ही कोई व्यक्ति गुरु बन सकता है। महाप्रभु ने कहा अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। मेरी आज्ञा है कि आप सब गुरु बन जाओ, और गुरु बन के क्या करो, अपने देश को तार दो जहां तुम पैदा हुए। कैसे तार सकते हो, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, सब कृष्ण उपदेश कर दो। अब कृष्ण उपदेश मात्र कर दो, डोंट गिव योर उपदेश। इतनी क्वालिफिकेशन महाप्रभु एक प्रकार से यहां बता रहे हैं कि गुरु बनने की क्वालिफिकेशन क्या है कि कृष्ण का उपदेश कर दो। यहां ये नहीं कहा कि सिद्ध हो जाओ तभी तुम कृष्ण का उपदेश कर पाओगे, साधक अवस्था में भी कृष्ण का उपदेश किया जा सकता है। अगर हम प्रणाम करते हैं भगवान को और भगवान ने कहा माम नमस्कारो, हम दूसरे को कह देते भाई तुम भगवान को प्रणाम करो, हो गया प्रचार। हम किसी को इस प्रकार से सिखा सकते हैं, हम गुरु बन करके कार्य कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जब सिद्ध नहीं बना है और जप कर रहा है, जप कर रहा है तो मन तो उसका भगवान में नहीं लग रहा है, सिद्ध व्यक्ति का मन लगता है, साधक का तो मन नहीं लगता एकदम से। मन नहीं लग रहा है, मन किधर लग रहा है, मन भोगों में लग रहा है, ठीक है ना। अब संसारी जो व्यक्ति है उसका भी मन भोगों में लग रहा है। संसारी व्यक्ति कई बार क्या करता है, भोग दृष्टि से मंदिर में आ जाता है, इसलिए आ जाता है भोग दृष्टि से। भोग दृष्टि मतलब मेरे को मंदिर में अगर आ जाऊंगा तो मेरे को कम से कम मेरा ग्रुप तो एक अलग से बन ही जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा तो मैं अपने कमरे से ही ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दूंगा, जितने भी संडे प्रोग्राम में लोग आते हैं उनको जैसे तैसे करके मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चालू कर दूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के मैं उनको अपने पर्सनल लेवल पर उनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना चालू कर दूंगा, उनका केयर करना चालू। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, आप लोग सीख मत लेना इन बातों को। पता चला कि प्रभु जी ने अच्छा रास्ते बता दिया, इतने समय से अपना रास्ता कुछ चल ही नहीं रहा था, ये बहुत अच्छा हो गया। आइए बैठिए, हरे कृष्णा, स्वागत है आप लोगों का, प्लीज। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं, उनको अपने स्तर पर बोले हम 5 मिनट का एक क्लास चालू करेंगे, तो सारे लोग तो समझते हैं मंदिर के भक्त हैं, मंदिर में मिले थे, वो 5 मिनट की क्लास ज्वाइन चालू कर देते हैं। जब ज्वाइनिंग चालू कर देते हैं उसके बाद धीरे धीरे वो कहते अच्छा हम लोग यात्रा निकल के चलेंगे, यात्रा लेकर के चले। आप लोगों में से कौन कौन आना चाहता है, बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि
अथॉरिटी से ये सैंक्शन है भी कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, उनको कुछ पता नहीं। वो एक ग्रुप का एक लीडर बन जाता है अलग से और लेकर के वहां चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो सबको माला पकड़ा देता है, माला जप हुआ, और फिर धीरे धीरे उनसे बोलते हैं कि देखो मेरे को बद्रीनाथ जाना था और मेरे को एक स्लीपिंग बैग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? स्लीपिंग बैग की जरूरत है। अब सारे लोगों को पर्सनली मैसेज भेजेगा वो, हालांकि व्हाट्सएप पे ग्रुप उसने ऐसा बनाया है कि सबको एक बार ही भेजने से चला जाएगा, लेकिन दिखाएगा पर्सनल आया है। अब बताओ उसके पास कितना, वो सब पूछेंगे कितने का आता है सब स्लीपिंग बैग, बोले 2,250 रुपये। आदमी सोचा 2,250 रुपये ले रही, 2,250 रुपये ले रहे, कितने स्लीपिंग बैग इकट्ठे हो जाएंगे उसके पास। आइडिया कितना बढ़िया है ना। ये सेम स्टोरी मैंने घटित होते हुए देखी है। उसने स्लीपिंग बैग के नाम से कम 50,000 इकट्ठी कर ली, खाली स्लीपिंग बैग, और मंदिर में भगवे कपड़े पहन करके आता था, 8 दिन रहता था, फिर दूसरे मंदिर में, फिर तीसरे मंदिर में, चौथे मंदिर में, हर मंदिर में 15-20 दिन रहना, 15-20 दिन में लोगों से ऐसे कॉन्टेक्ट निकाल लेना, कॉन्टेक्ट निकाल करके इस प्रकार से लोगों को मैसेजिंग कर देना, 5-10 मिनट की क्लास चालू कर देना, क्लास के बाद कभी यात्रा में लेकर के आ जाना, थोड़ा बॉन्डिंग कर लेना, बॉन्डिंग करने के बाद स्लीपिंग बैग की डिमांड रख देना। अब बद्रीनाथ हम बोले बहुत ठंडी पड़ती है, मेरे पास कुछ है नहीं, या फिर गर्म कपड़े भी आप दे सकते हैं, ज्यादा कर किसी की ताकत नहीं स्लीपिंग बैग देने की, कोई शॉल ही दे दो, कोई स्वेटर ही दे दो, कोई मफलर दे दो, कोई टोपी दे दो। तो टोपी उसने बहुत पहनाई। और ऐसे लोगों को आप लाख प्रयास करके रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आप अपने मंदिर में अनुशासन कर सकते हो, मंदिर से निकल करके वो चला गया दूसरे मंदिर, कैसे अनुशासन करो। और हर मंदिर में प्राय भक्तों की कहीं ना कहीं छोटी बहुत आवश्यकता हो जाती है, वो आशा से रख लेते हैं और वो लोग सेवा भी करते। कई बार ऐसे लोग दौड़ दौड़ के सेवा करते। मैं इतने लंबे समय से बहुत सारे लोगों से संपर्क करता हूँ, सोचता हूँ भाई चीजें समझें लोग, और बहुत सिंपल सिंपल चीजें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भक्ति। भक्ति में बहुत सिंपल बातें हैं, ये सिंपल बातों को कर लो। मैं जन्म मृत्यु की बातें करता हूँ, थोड़ी अन्य बातें करता हूँ, बहुत सारे भक्त लोग प्रभु जी की फिलोसफी बहुत हाई फाई है। अरे मैं क्यों हाई फाई फिलोसफी, मैं खुद हाई फाई आदमी नहीं हूँ, छोटा आदमी, हाई फाई फिलोसफी कहाँ से दूंगा मैं। फिलोसफी हाई फाई है ही नहीं, फिलोसफी बड़ी सिंपल है। क्या झाड़ू लगाना सीख लो, क्या फिलोसफी है इसमें, पोछा मारना सीख लो, किताब बांटना सीख लो, पुस्तक वितरण करना सीख लो, थोड़ा सा कीर्तन सीख लो, थोड़ा सा आरती करना सीख लो, आरती गाना सीख लो, थोड़ा डीटी वर्शिप करना सीख लो। गुरु यही तो सिखाता है, और क्या सिखाता है। गीता के सिद्धांतों को थोड़ा सा सीखने का प्रयास कर लो, फिर फिलोसॉफिकली व्यवहारिक ज्ञान सीख लो, और थोड़ा फिलोसॉफिकल स्ट्रांग हो जाओ कि भाई भगवान है तो कैसे हैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा भगवान के साथ नाता क्या, ये सब चीजों को सिखाता है गुरु व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा। तो ये बड़ी सिंपल बातें हैं, इन सिंपल बातों में भी लोगों का उत्साह देखा नहीं जाता। ये सिंपल बातें भी देखी नहीं जाती, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में मैं देखता हूं, कोई कोई व्यक्ति तो अति उत्साह, दिन भर सुबह का 3:30 बजे से कार्यक्रम चालू करने के बाद 7-8 बजे तक कार्यक्रम होने के पश्चात भी मैंने एक व्यक्ति को देखा बैग में पुस्तकें भर के ला रहा है, नीचे उतर के आ रहा है। मैं हैरान हो गया, इतनी ताकत तो मेरे में भी कभी नहीं आई कि 5-6 घंटे का मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, 1-2 घंटे का रेस्ट लगता है उसको, और वो बिना रेस्ट लिए एकदम से किताबें भर करके एकदम से सैनिक की तरह तैयार, बोले मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा मेरे को कोई नजर नहीं आया। बाद में पता चला उसने पुस्तक मारते मारते ही कॉन्टेक्ट इकट्ठे कर लिए लोगों से। अब किसी को मंदिर में तो दिखाई भी दे जाए कि इसने मंदिर में कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहा है, और मंदिर में कॉन्टेक्ट को ऊपर तक पहुंचा नहीं रहा है, उसने पुस्तक मारते मारते ही कॉन्टेक्ट इकट्ठे कर लिए और उन्हीं कॉन्टेक्ट को मैसेज करना चालू कर दी। और मैसेज में क्या लिख रहा है, मैंने सब घर बार छोड़ दिया है, लेकिन मेरी बच्ची है और मेरी पत्नी है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये देखो फोटो।
फोटो भी लोड कर दिए और लोगों ने धड़ाधड़ उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। वो कम से कम 3 महीने तक बच्ची ऐसी हॉस्पिटल का सेम फोटो, हर बार जिसको भी मैसेज भेजे 3 महीने तक सेम फोटो। अब बताओ चीटिंग प्रोपेंसिटी कितनी खतरनाक थी। इसे छद्म गुरु कहते हैं। ऐसा लक्षण तो मेरे को जगबंधु में दिखाई दिया। बस जगबंधु कल आया सचिनंदन प्रभु मेरे कमरे में पहुंच गया। सचिनंदन प्रभु जी पूरा नाम लेकर गया, सचिनंदन प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम, खड़ा हो जाए जगबंधु, दिखा दे दर्शन दे दे सबको, सबको घूम के दर्शन दे दे सबको, हरे कृष्ण सबको दर्शन दे दे से घूम के। पीछे वालों को तेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, हाँ देख लो, बैठ जाओ इधर। जगबंधु कल आया सचिनंदन प्रभु जी, मैं हाँ बोलो बेटा कैसे आना हुआ। प्रभु जी हाँ रोहित प्रभु जा रहे हैं, निताई प्रभु जा रहे हैं, ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, आप अगर मेरे को आगे आते हैं तो मैं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाऊं क्या। अब मैं चुपचाप देखता रह गया। मैं एक उत्साह तो मैंने उस व्यक्ति में देखा था, मैं बोला एक उत्साह इसके अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है, बिना किसी बड़े आदमी के सीधा चला आया और आकर के कह रहा मैं जाऊं क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो मैं सोच में पड़ गया, जैसे यमराज जी के पास नचिकेता गए थे और नचिकेता बोले मेरे को ब्रह्म विद्या दे दो, अगर वरदानी देना चाहते हो तो मेरे को जन्म मृत्यु का विज्ञान बताओ, मृत्यु होती क्यों है, मृत्यु का रहस्य बता दो जिससे मैं मृत्यु को जीत सकूं। और नचिकेता छोटा सा ही बालक था, उसको देख करके यमराज जी हैरान में पड़ गए, ये कैसा बालक है, मैं इसको कह रहा हूँ कि स्वर्ग ले ले, मैं कह रहा हूँ इसको देख अप्सराएं कितनी सुंदर हैं, कितना बढ़िया नाच रही हैं, दो चार अप्सराएं ले ले, मैं कह रहा हूँ तेरे को धन चाहिए तो धन ले ले, अरे अमृत पान करना है तो अमृत पान कर ले, यहाँ पर ये सब चीजें ले नहीं रहा है, मना कर दिया और सीधा मांग रहा है कि मेरे को मृत्यु का विज्ञान बताओ, मैंने सुना है आप ही मृत्यु बन करके जाते हो, क्यों जाते हो मृत्यु बन के, मृत्यु से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, वो रहस्य बताओ। तो सोच में पड़ गए इसको रहस्य बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। आखिर में उनको बताना पड़ा और बच्चे की गंभीरता को देख ऐसे मैं भी गंभीर हो गया इसको देख करके। मैं बोला यार इसको भेजू बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि नहीं भेजू। फिर इसने देखा प्रभु जी बोल नहीं रहे कुछ, मेरे को कहता है प्रभु जी मैंने गोवर्धन में भी किया है, इतना सोचो मत। गोवर्धन में भी किया और मैंने 2 किताबें बांटी थी वहां पर, 2 किताबें लोग मेरे से लेकर के गए, 2 गीता मैंने सेल की, आप मेरे को जाने दो। मैं लग गोवर्धन में तो परिक्रमा मार्ग था, वहां गाड़ी घोड़ा इतने नहीं है, यहाँ तो मार्केट में गाड़ियां हैं, कोई तेरे को चोट फोट पहुंचा गया तो। मतलब और कौन जा रहा है, और तो कोई नहीं, बच्चे लोग तो नहीं जा रहे हैं, वो बड़े ही लोग जा रहे हैं, और तो कोई नहीं जा रहा है, मैं सावधानी से करूंगा ना, आप मेरे को भेज दो, मैं ध्यान रखूंगा गाड़ी घोड़े का, तो मेरे को भेजना पड़ा। जा भाई क्या करें, अभी ब्रह्म विद्या देनी पड़ गई, मृत्यु का विज्ञान नचिकेता को भी देना पड़ा तो जगबंधु को भी देना पड़ा। वैसे भी इसका नाम जगबंधु है, सारे जग की चिंता करता है कि भाई सब तक गीता पहुंचनी चाहिए। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं, ताली बजा दो सब इसके लिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ट्रेनिंग कोई बहुत कठिन काम नहीं, लेकिन 2 प्रकार के भक्त हो, एक छद्म गुरु एक सच्चे गुरु। छद्म गुरु किसको कहते हैं, जो आ गया मंदिर में वो भक्त। देखो डिजायर किसी की गलत होना बुरी बात नहीं है, गंदी डिजायर सबके अंदर हो सकती है क्योंकि संसार में हम पैदा हुए हैं, संसारी संगति से विषय भोगों की डिजायर, भोग ऐश्वर्य की डिजायर, ये दोनों डिजायर होना बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन उस डिजायर के साथ ऑनेस्टली हमें भक्त बनना है। अभी हमारे अंदर गंदी इच्छाएं हैं, लेकिन इस इच्छा के साथ भी हमारी एक इच्छा प्रबल भी है कि हम ईमानदारी से भक्त बनना चाहते हैं, वो एक्सेप्टेड है।
जो व्यक्ति मंदिर में आया ही है और सोच रहा है मेरे को भक्त नहीं बनना, मेरे को पैसा इकट्ठा करना है, मेरे को भक्त नहीं बनना है, मेरे को पर्सनल लेवल पर अपने फॉलोअर क्रिएट करने, मेरे को भक्त नहीं बनना है, मेरे को कोई गोरी चमड़ी की लड़की दिख जाए मैं उसको ब्याह करना है, मेरे को भक्त नहीं बनना है, मेरे को वीजा लगा करके विदेश जाना है, मेरे को भक्त नहीं बनना है, मेरे को बैठ करके खाने के लिए टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है, जैसे तैसे करके। ये एटीट्यूड गंदा है, लेकिन इसके साथ भक्ति की इच्छा नहीं, वो ज्यादा बड़ी समस्या। गंदी इच्छा के साथ, मान लो कोई आश्रम में रह रहा सोच रहा मेरे कोई पनीर की सब्जी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भक्त लोग करते हुए देखे जा सकते हैं, सारा पनीर अपनी थाली में डाल लें बाकी के लिए मात्र ग्रेवी छोड़ दें, होता जगबंधु ऐसा कि नहीं? हो जाता है ऐसा, कौन सी नई बात है। अब जैसे गुलाब जामुन दिया है तो आदमी सोच लेता है मेरे को ही मिली है, और भी गुरु भाई लोग हैं, बांट के खाना है कि नहीं बांट के खाना है, बांट के खाऊंगा तो इसके चार हिस्से हो जाएंगे, चार हिस्से हो जाएंगे, एक गुलाब जामुन के चार हिस्से हो जाएंगे, मेरे हिस्से में बहुत थोड़ा सा ही आएगा, दांत में ही अटक जाएगा वो, इसलिए चार हिस्से छोड़ो मैं ही खा लेता हूँ। तो ये गलत बात है, लेकिन होता है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन इसके साथ मेरे को भक्त बनना है, ये इच्छा हो तो भगवान कृपा करके उसको अच्छा भक्त बना देते, धीरे धीरे बनाते। लेकिन ये इच्छा के बिना, अगर कोई पहले से ये इच्छा, क्या भक्त भक्त बनना, ये सब तो मेरा नाटक है, इन लोगों के लिए ठग रहा हूं मैं, इन लोगों को ठगाई करनी है मेरी, और इंटरनली उसका उद्देश्य अलग ही है, बोले वो स्वीकार नहीं है। उसको प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं वो छद्म गुरु है। कौन है वो? छद्म गुरु। ऐसे छद्म गुरुओं से हमें बचना चाहिए। यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नव दीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है। कुशल गुरु होना चाहिए, गुरु की महिमा बहुत है, गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, भगवान ने इसकी बहुत चिंता करते। और ध्यान दो, संसार में दो स्तर पर कार्य होते हैं, एक सामूहिक स्तर पर कार्य होते हैं और एक पर्सनल लेवल पर काम होते हैं। जैसे पर्सनल लेवल पर काम करना मतलब मैं मेरे घर के कुछ नियम कानून मैं अपने आप में सेट कर सकता हूं और एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता हूं, लेकिन पूरे गांव के लेवल पर मेरे बस की बात नहीं। गांव के लेवल पर मुखिया करे, प्रधान करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो IAS अधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो करे, हमारे बस की ताकत। स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री की ताकत है, देश के लेवल पर प्रधानमंत्री की ताकत है, जिसे राजा कहते हैं एक प्रकार से पूर्व की भाषा में। तो राजा के माध्यम से इस प्रकार से शासन किया जाता था कि सब लोग इसे पालन कर सकते थे। तो भगवान इन बातों को सिखाने के लिए दो स्तर पर कार्य करते हुए क्या करते हैं, दो परंपराएं एस्टेब्लिश कर। एक परंपरा आती है जो शिक्षा देती है, जिसे राज ऋषियों की परंपरा कहते हैं। कौन सी परंपरा? राज ऋषियों की परंपरा। राज ऋषि में जैसे भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में सूर्य देव को ज्ञान दे दिया, वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। उसी में उन्होंने आगे चल करके अपने पुत्र को ज्ञान दे दिया, वो भी राजा हैं और ऋषि भी हैं। इक्ष्वाकु को ज्ञान दे दिया, राजा विवस्वान ने जो सूर्य देव हैं उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ज्ञान दे दिया। वही ज्ञान परंपरा के माध्यम से, राज ऋषि परंपरा के माध्यम से किसको दिया? विवस्वान ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु जी ने मनु को ज्ञान दे दिया, जिसके माध्यम से मनु की जितनी संतानें हुई मनुष्य आदि उनको प्राप्त होने लग गया। आगे चल करके ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई, इसे राज ऋषि परंपरा कहते। और जो सामूहिक स्तर पर काम करते, ये परंपरा काल के प्रभाव से प्रायः नष्ट हो जाती, जिसको गीता में भगवान ने अर्जुन को सावधान किया, काल के प्रताप से अर्जुन ये परंपरा नष्ट हो गई थी, मैं तुम्हारे माध्यम से इसको फिर से एस्टैब्लिश कर। देखो गुरु की कितनी आवश्यकता होती है, सामूहिक स्तर पर भी, शासन स्तर पर भी बहुत आवश्यकता है।
जो दूसरी परंपरा होती है वो ब्रह्म ऋषियों की परंपरा होती है, समझ में आ रहा है। जो व्यक्तिगत चेन चलती है जिसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, जैसे ब्रह्मा जी के माध्यम से एक परंपरा एस्टेब्लिश की, वो परंपरा छिन्न भिन्न नहीं। राज ऋषियों की पक्षी के माध्यम से भी एस्टेब्लिश करते हैं, ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है राजा को जाकर के शिक्षा देना, गुरुजनों के माध्यम से भी एस्टेब्लिश करते, कई बार भगवान खुद भी एस्टेब्लिश करते। तो जीवन में दोनों ही ओर से, क्योंकि व्यक्ति घर में तो हर समय बैठा नहीं रहता, समाज में भी आवश्यकता होती है, समाज भी उसी सिस्टम से चले, व्यक्ति भी उसी सिस्टम से चले, कितना अच्छा हो जाएगा, उसको कोई कठिनाई नहीं। लेकिन अगर समाज नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज नहीं चल रहा तो हम भी नहीं चल रहे। हमें अपना उद्धार तो करने की क्षमता होनी चाहिए। सारा समाज मल भोजी बन जाए तो हमें भी मल खाना चालू कर देना चाहिए? नहीं, सारा समाज नदी के भाव में बहता जा रहा है, हम सोचे जिस भाव में सब बहे हमें भी उसी भाव में बहना चाहिए, नहीं। ये मुर्दों का कंसेप्ट होता है, मुर्दे जिस भाव में बहते हैं उस भाव में मुर्दे बह सकते, जिंदा नहीं। जिंदा किनारे लगने की चेष्टा करता है, जिंदा उस भाव को तैर करके पार जाता है। इसलिए गुरुजनों की आवश्यकता बहुत होती, हमें पर्सनल लेवल पर इस परंपरा का आश्रय लेना चाहिए और इन बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। कैसी बातें हैं? सरल बातें। इसलिए प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वे जानते रहते हैं कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। गुरु जानता है कि शिष्य को कैसे सिस्टमेटिक प्रोग्रेस करानी। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए, प्रभुपाद जी लिख रहे, खर्च चलाने के लिए नहीं, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए जिससे वो शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके, मौत से बचा सकता है। गुरु की वो ताकत होती। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुणों की व्याख्या की, प्रामाणिक गुरु की व्याख्या की। प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं? श्लोक बताए, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मर्जन आदो युक्त भक्तांश नियोन जयतोपी वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। क्या अर्थ है? श्री विग्रह अर्थात भगवान की मूर्ति, श्री मूर्ति, उसको श्री विग्रह कहते हैं। अर्चा तथा भगवान का उपयुक्त तो पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए को श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। ये सीखना है हमको, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, यही सीखना है। भगवान को कैसे कपड़े पहनाते, भगवान का मंदिर कैसे साफ सुथरा रखते हैं। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, नवदीक्षित जिनकी नई नई दीक्षा हुई है या नया नया दीक्षा लेना चाहते हैं या नए नए भक्त बनने की चेष्टा करने, अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाते हैं। बेटा झाड़ू उठाओ, चलो झाड़ू लगाओ, पोछा उठाओ, पोछा लगाओ, भगवान को ऐसे कपड़े पहनाओ, इस प्रकार से सिखाते हैं। और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करते, तब अनुभूति होगी। अनुभूति एक दिन में नहीं होगी, धीरे धीरे। ये सब बातें हम पहले सीख तो लें, आकर के कथा तो सुने। सबसे पहले शुरुआत तो श्रवणम से होती। अब जीवन का कितना सारा समय हमारा बिना श्रवण के बीत जाता है और फालतू संसार के लोगों के लिए YouTube आदि के माध्यम से लोग जीवन को नष्ट करते, कितनी गंदगी कानों से डालते रहते हैं, व्यर्थ की बात है, व्यर्थ के जीवन को नष्ट करते। इसलिए जीवन को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। भागवतम आदि के माध्यम से इन बातों को बड़ी सरलता के साथ हमें सीखने की चेष्टा करनी चाहिए और समाज की भी चिंता करनी चाहिए। हम पहले अपने आप में थोड़े चिंतित होकर के गंभीर भक्त बने और फिर समाज के लिए भी एक नहीं बनाने का प्रयत्न करना, क्योंकि हम इस समाज में रह रहे हैं, समाज के माध्यम से भी हमारा आदान प्रदान होता है। सब चीजें हम ही थोड़ी अपने आप में क्रिएट कर सकते हैं। ये लैपटॉप के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो समाज में किसी लैपटॉप वाले का भी उत्तरदायित्व है, तो हमें इन लोगों के भी भलाई के लिए कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी कि इन लोगों का भी भला कैसे हो। इसलिए नगर कीर्तन आदि करने की चेष्टा होती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आदि की चेष्टा होती है, क्योंकि हम इन लोगों के लिए भी ऋणी है। अपना ऋण चुकाने के लिए हमें समाज के साथ भी आदान प्रदान उस स्तर पर करना चाहिए। इससे हम भक्त बन जाएंगे और भक्ति की शक्ति ही है जो मौत को जीत लेती, और दुनिया में कोई ताकत नहीं, न पैसे की, न पद की, न प्रतिष्ठा की। देवता भी बन जाओगे तो भी मौत को नहीं जीत सकते।
और भक्त अगर कोई चांडाल भी है वो भी बन जाएगा तो मौत को जीत सकता है, एक भक्त बालक भी है वो भी मौत को जीत सकता है। ध्रुव आदि ने, प्रहलाद आदि ने मौत को जीत लिया, तो कोई नई बात नहीं, मौत को जीतना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग जप कर सकते हैं 7 बजे तक और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज निर्जल एकादशी है और एकादशी की अपार महिमा है। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, ये माधव तिथि है, इसका नाम ही है माधव तिथि, जो जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और ये भक्ति को पैदा कर देती। इसलिए हम सभी ने एकादशी किसी भी हालत में करने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन एकादशियों में कई बार गलतियां होती रहती हैं, कभी कोई एकादशी किसी कारण से टूट जाती है, हमने तो आलू ही खाया लेकिन सरसों के तेल में फ्राई कर दिया, अब सरसों का तेल चलता नहीं, या तो घी में फ्राई करना चाहिए या मूंगफली के तेल में फ्राई करना चाहिए या सनफ्लावर के तेल में फ्राई करना चाहिए। सरसों का तेल अन्न की कैटेगरी में आता है, लेकिन तिल का तेल भी यूज होता है, तिल का तेल यूज नहीं होता। तिल का तेल षट तिला एकादशी के दिन यूज कर सकते हैं, हर एकादशी में नहीं। पीनट्स को ही सिंगदाना मूंगफली कहते हैं। घी तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया तो घी है, नहीं है तो फिर कोई दूसरे तेल में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, कभी कोई हल्दी यूज करते हैं, बोले हल्दी अलाउड है, लेकिन हल्दी खुद से वो हल्दी पीसी हुई हो, कूटी हुई हो, कई बार लोग हल्दी में बेसन मिला करके दे देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, हल्दी अगर गांठ वाली है और हमने खुद से ही कूटा पीसा उसको एक प्रकार से, तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई प्योर हल्दी है, हम उसको यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार हल्दी सेल करने वाले उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, बेसन मिला देते हैं, आटा मिला देते हैं, कलर डाल देते हैं, उसके कारण फिर वो ब्रेड टूट जाता है और हमें पता ही नहीं होता। तो कई बार कुछ ना कुछ कारणों से हमारी एकादशियां इस प्रकार से टूटने की संभावना बनी रहती। ये जो निर्जल एकादशी आती है, ये वो एकादशी है कि मान लो किसी एकादशी में हमारी गलती भी हो जाए, तो ये एकादशी का बिना पानी के अगर हम व्रत करते हैं। अब कोई कहे प्रभु जी मैंने दिन भर पानी नहीं पिया लेकिन दूध खूब पिया, उसे निर्जल नहीं माना जाता। लोग तरीके निकाल लेते, वकील लोग है ना, शब्द पकड़ते, बोले भावना नहीं पकड़ेंगे साथ में, तो शब्द पकड़े। एक व्यक्ति के प्रभु जी पानी ही नहीं पीना है ना, मैं समझ रहा था पानी ही नहीं पीना है, मतलब केवल पानी को छोड़ने वाला, ये बाकी सब खाएगा पिएगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब पानी भी नहीं पीना है, पानी ही नहीं, पानी भी नहीं पीना है। हाँ देखो, हमारी निष्ठा पर निर्भर करता है। नामदेव जी के यहाँ गेस्ट आए थे, तो नामदेव जी ने, ब्राह्मण आया था भिक्षा मांगने के लिए आया था, वो भी बेचारा भूखा था, बहुत लंबी यात्रा करने के बाद आया था। तो नामदेव जी ने कहा भैया मैं एकादशी के दिन तुम्हें अन्न तो नहीं खिला सकता, बिना अन्न वाला आइटम बोलोगे तो मैं बहुत कुछ खिला सकता हूँ। तो नामदेव जी को बोला नहीं मैं बिना अन्न के मर जाऊंगा। कई बार होता है ना, हम एकादशी को कुछ भी खा लें लेकिन फिर भी ये फील होता है कुछ खाया ही नहीं, और एकादशी के दिन कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। बाकी दिन हो सकता है 10 बजे के बाद खा लें, एकादशी के दिन तो 5 बजे से भूख चालू हो जाती है। मेंटली ऐसा होता है ना, पता नहीं आपको ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, हो सकता है आपका एकादशी के प्रति बहुत ज्यादा भाव हो, मेरा तो ऐसा नहीं होता। मेरे को तो शुरू सुबह से ही भूख लग जाती, एक दिन पहले से ही भूख लग जाती, कल एकादशी है आज खा लो जितना खा सकते। जैसे मुसलमान लोग जुम्मे के समय में खाते हैं ना, सुबह 5 बजे सूर्य निकलने से पहले ठूस लो जितना ठूस सकते हैं, हमारी एकादशी मुसलमानों वाली करते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसी स्थिति में नामदेव जी ने उसको नहीं मना कर दिया, बोले अन्न मैं नहीं खिला सकता, बोले मैं बिना अन्न के मर जाऊंगा, बोले मरो चाहे जिंदे रहो मैं नहीं खिला सकता। आखिर में उसने बोला अब मैं मरूंगा तो तुम्हारे ही घर के सामने मर। अब गांव के लोग इकट्ठे हुए, तुम अपना व्रत कर रहे हो बेचारे को, उसको क्यों मारे हो, कितना बड़ा कलंक लगेगा। गांव के लोग बोले ये नहीं दे रहा, तुम एक काम करो हमारे घर से ले लो। बोले नहीं मेरा संकल्प है जिस दरवाजे को खटखटाता हूं मैं उस दिन दूसरे दरवाजे पर नहीं जाता, अब तो मैं मरूंगा तो इसी के दरवाजे पर मरूंगा, कोई बात नहीं। और सब नामदेव जी पर चढ़ बैठे। नामदेव जी बोला एकादशी के दिन तो मैं नहीं खिला सकता भाई, चाहे मरना है तो मर जाए, और भगवत इच्छा क्या हुई बेचारा सुबह में मर ही गया वो। अच्छा वो मर गया, नामदेव जी को तो अभ्यास था व्रत करने का, उन्होंने भी उस दिन पानी भी नहीं पिया ये सोच करके कि भाई ब्राह्मण आकर के बैठा हुआ है,
ये बेचारा बोले मैं अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, या तो अन्न दो नहीं तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, मेरे को तो मरना है। बोले तुम मर जाओ। तो उन्होंने परिवार वालों ने भी जल नहीं ग्रहण किया। तो नामदेव जी ने क्या किया, बोले बोले अब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, बेचारा घर पे मर गया है। उन्होंने फिर चिता वगैरह अरेंज कर लिया, एक और चिता पास में बना दिया। बोले ईश्वर मेरे को जलना पड़ेगा, मैं खुद ही जलूंगा, मेरी वजह से बेचारा ब्राह्मण मरा। तो बोले पहले तो मैं ही जलूंगा, इसको बाद में बच्चों को कहा कि इसको बाद में तुम लोग दाह संस्कार इसका बाद में कर देना, पहले तो मुझे ही जलना चाहिए। तो जिंदे ही थे वो, लेट गए तो आज्ञा दी उन्होंने जलाने की। जैसे जलाने की आज्ञा दिया वो ब्राह्मण उठ करके खड़ा हो गया और ब्राह्मण गायब हो गया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो बोले मैं ही तुम्हारी एकादशी के प्रति निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए आया था।